अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर फोर टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सिस एंड एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो द फोर पॉइंट सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेज सो यू हैव

और अनलाइक पैरोल फोर्सेज हैं जस्ट लाइक दिस अनलाइक पैरोल फोर्सिस उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन तो सपोज इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है तो इनके जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा तब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कपल क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज अ कपल नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू the number of forces that can be added by head to tail rule are a 2 b 3 c 4 and d any number so head to tail rule ke according aap kitni bhi numbers ki forces ho aap add up kar sakte hai. clear so the correct option is d which is any number clear now move to the next mcq so the mcq number 3 नंबर ऑफ पर पेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर ए वन बी टू सी थ्री एंड डी फोर तो एक फोर्स के कितने परपैंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं तो ये हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में फोर्स के दो पर पेंडिकुलर कंपोनेट होते हैं एंड दे आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज टू पर पेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दे आर द एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट फोर्थ एम सी क्यू अ फोर्स ऑफ टेन न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विदिजेंटल इट्स हॉरिजेंटलिजेंटल एक्सिस पर एंगल बना रही है 30 डिग्री का तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपने कैलकुलेट करनी है सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट मींस एफ एक्स एफ एक्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था अपने लेक्चर में दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा नाउ एमसीक्यू में आपको फोर्स भी गिवन है विच इज टेन न्यूटन और आपको थीटा भी गिवन है विच इज थर्टी डिग्री उसकी वैल्यू हम यहां पुट करते हैं सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ फोर्स विच इज टेन न्यूटन एंड कॉज थर्टी डिग्री So, सो जब फर्दर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा एट पॉइंट सेवन न्यूटन द करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज एट पॉइंट सेवन न्यूटन क्लियर एमसीक्यू अ कपल इज फॉर्म बाय टू फोर्सेस पर पेंडिकुलर टू ईच अदर बी टू लाइक पेर फोर्सेज एंड सी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज इन द सेम लाइन डी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नॉट इन द सेम लाइन सो एक कप्पल कप फॉर्म होता है अभी हमने फर्स्ट एमसी कि जब टू इक्वल बट अन फोर्सिज मीन की डायरेक्शन सेम ना हो ऑपोजिट डायरेक्शन हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होना चाहिए तो वहां पर कपल फॉर्म हो जाता है ओके टू इक्वल सपोज अगर ये फोर्स न्यूटन की है तो ये फोर्स भी फाइव न्यूटन की है दोनों इक्वल फोर्सेज हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं होना चाहिए तब यहां पर कपल फॉर्म हो जाएगा सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन डी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन वो दोनों जो है वो सेम लाइन में नहीं होंगी तब वहां पर कपल फॉर्म हो जाएगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी क्लियर क्स्ट एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर बॉडी इज इन इक्वेब्रियम एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म बी स्पीड इज यूनिफॉर्म सी स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म एंड डी एक्सेलेशन इज जीरो बॉडी जो है वो कब इक्वेलिब्रियम में होती है अगर हम आपके ऑप्शन को डिस्कस करें तो एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मीन कि वहां बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है सो so, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन वेलोसिटी बिल्कुल सेम है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो तब हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज एक्सेलरेशन इज जीरो

कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती आप चाहे उसको रोल करवाएं बॉल फॉर एग्जांपल बॉल है अगर आप बॉल को रोल भी करवाते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पोजीशन पर पहले था न्यू पोजीशन पर भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर लोकेट करेगा वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड अपनी हाइट वहीं पर रखेगा अगर उस बॉडी की पोजीशन को डिस्प्लेस ही क्यों ना कर दिया जाए क्लियर नाउ द 8 एमसीक्यू रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय ए इंक्रीजिंग देयर स्पीड बी डिक्रीजिंग देयर मैस सी लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डी डिक्रीजिंग देयर वेट तो रेसिंग कार्स जो है उनको स्टेबल किस तरह से बनाया जाता है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो कम करके लोअर करके बिकॉज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जितना लोअर होगा वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जो है वो उतना स्टेबल होगा दैट्स रेसिंग कार जो है वो नीचे वाली साइड से काफी कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और उनकी हाइट भी बहुत कम रखी जाती है ताकि वो स्टेबल हो जाए क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी लोअरिंग लग सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर सो आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज